जबलपुर के बरेला अंतर्गत ग्राम केलवास में शासकीय हाई स्कूल में बच्चों की जान से स्कूल प्रबंधन खिलवाड़ कर रहा है, जहां बच्चों को दिया जा रहा है कीड़े लगा हुआ गेहूं। जिम्मेदार ये सब जानने के बाद भी मौन बने हुए हैं। आपको बता दें कि केलवास गांव में स्थित शासकीय हाई स्कूल में भ्रष्टाचार की हर हदें पार की जा रही हैं, जहां नौनिहालों को कोरोना महामारी के चलते अब मध्याह्न भोजन की जगह उन्हें राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन देने के लिए जो समूह गठित किया गया है उनके द्वारा नौनिहालों को इस प्रकार का गेहूं वितरित किया जा रहा है जिसमें कीड़े बिलबिला रहे थे, जो सीधे तौर पर नौनिहालों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब स्कूल की प्राचार्य ने इतनी बड़ी घटना से खुद का पल्ला झाड़ते हुए गठित समूह पर ठीकरा फोड़ दिया और स्कूल प्राचार्य शर्मिला चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, राशन बांटने का काम समूह का है। जब स्कूल की प्राचार्य इस तरह के जवाब दे रही है तो साफ जाहिर होता है कि केलवास ग्राम में शासकीय स्कूल में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि समूह द्वारा सोसाइटी से गेहूं ले लिया जाता है, जिसे स्टॉक कर स्कूल में रख लिया जाता है। वहीं रातों रात उस अच्छे गेहूं को बदलकर समूह व स्कूल प्रबंधन कीड़े लगा गेहूं बच्चों को बांट दिया जाता है, जो खाने योग्य भी नहीं होता है, जिसे जानवर भी खाने में परहेज करते हैं। ऐसे में समूह व स्कूल प्रबंधन बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार शासकीय स्कूल की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। वहीं स्कूल में लंबे समय से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद भी जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। वहीं अब देखना होगा कि नौनिहालों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों के विरुद्ध जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों की जान की कोई कीमत नहीं, जिन्हें जानवरों को दिए जाने वाला अनाज से भी बदतर अनाज खाने को दिया जा रहा है। वहीं खाद्य अधिकारी सुधीर दुबे इस मामले में कहना है कि यह बड़ा ही गंभीर मामला है और बच्चों को इस प्रकार कीड़े लगा गेहूं वितरित करना गलत है। वही मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे, जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। गेहूं तो इस तरीके का मिला है कि वो बच्चे अगर खाएंगे तो मर जाएंगे, पूरे कीड़े पूरा गेहूं घुन से लथपथ। किनके द्वारा बांटा जाता है गेहूं? ये मिडिल स्कूल समूह के द्वारा बांटा जा रहा है। नाम बोल दे। स्कूल से लेके आ जाए गेहूँ? केलवास। कौन सी क्लास पढ़ते हो? छठवीं। किन्ने दिया जाए गेहूँ? सर लोग ने बांटे। क्या नाम क्या है सर का? सर उपाध्याय। उपाध्याय सर ने दिए हैं। ये सभी बच्चों को मिला है ऐसा गेहूँ? कुछ को सादा मिला, कुछ को नाम बताओ, नाम बताओ। तो गेहूँ वितरण जो बच्चों को हो रहा है यहाँ पे समूह के द्वारा, उन लोग स्टॉक करके रख लेते इस महीने का, उस महीने पलटाते हैं। मैडम हम लोग के उस पे नहीं आता है भैया, वो क्या है समूह के द्वारा डायरेक्ट भेजा जाता है। अब क्या होता है कि इनने क्या किया है, अब हम लोग को आपने बताया वस्तु स्थिति से हम लोग अवगत हो गए, तो अब हम लोग इसको लिख के आगे भेजेंगे कि कोशिश यही कि आप लोग ये इस तरीके का नहीं, अगर ये चीज मैं ना बताता तो ये चीज ठीक है। क्या न्यूज के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।